नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जहाँ पर भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जो बेहद खूबसूरत मन को भाने वाले होते हैं। और दोस्तों, ये वनस्पतियाँ हमारे घर के नज़दीक तालाबों के आसपास सड़क के किनारे पाए जाते हैं। और दोस्तों, अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में कुछ ऐसे वनस्पति अपने आप उग जाते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक वनस्पति है जो आपको सड़क के किनारे सर्वाधिक मिलता है। आपने इस वनस्पति को अक्सर सड़क के किनारे, नदी नालों के आसपास या फिर तालाबों के आसपास देखा होगा। जी हाँ, आज हम जिस वनस्पति के बारे में बातें करने जा रहे हैं, वो दोस्तों गर्म जलवायु हो, शुष्क हो, क्षारीय हो, रेतीली वाली मिट्टी हो, या फिर भारत का कोई भी गांव क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों मदार के बारे में, जिसे आँख भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो वनस्पति होता है दो तरह का होता है। एक होता है जिस पर बैंगनी रंग के फूल लगे होते हैं, दूसरा होता है जिस पर सफ़ेद रंग के फूल लगे होते हैं। सफ़ेद फूल वाले आँख का प्रयोग अधिक मात्रा में औषधियों में किया जाता है। दोस्तों, इस वनस्पति के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर सूजन को कम करने की अद्भुत शक्ति होती है, घाव को मिटा देता है, दांत खाज खुजली हो गया है तो दांत खाज खुजली को भी ठीक कर देता है, दांतों में दर्द है तो दांत के दर्द के लिए ये किसी रामबाण दवाई से कम नहीं होता है। इसके साथ साथ यदि जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो आप इस वनस्पति की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि कहीं पर घाव हो जाए, घाव में बहुत ज़्यादा मवाद आता हो, तो कैसे उस घाव को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आग के पौधों के दूध को निकालें। जैसे ही आप इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलता है। आपको इस दूध को निकालनी है और इस दूध में हल्दी को मिक्स करें। हल्दी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी उसके अंदर गुण होता है। और दोनों को अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जहां पर घाव हुआ है वहां पर इस पेस्ट को लगाएं। इसके साथ साथ आप चाहें तो घाव के ऊपर इसके ताज़े पत्तों को गर्म करके भी बांध सकते हैं। इससे घाव बहुत ही जल्दी भरने लगता है। इसके साथ साथ यदि बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, बवासीर के जो मस्से हैं वो बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाते हैं, दर्द भी करते हैं, तो दोस्तों आँक के जो पौधे होते हैं इनके अंदर ऐसा गुण होता है और इसके अंदर जो पाया जाने वाला जो दूध होता है, यदि आप उस दूध का इस्तेमाल करते हैं सही तरीका से तो बवासीर में लाभ होता है। क्या करना चाहिए, आग के पत्तों को तोड़ते हैं तो दूध निकलता है। आपको इस दूध को निकाल करके बवासीर के मस्सों पर इसे लगानी है। आप बहुत ही सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि इसका जो दूध होता है आँखों में जाए तो आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बवासीर के मस्सों पर इसके दूध को लगाया जाए तो मस्से आसानी से झड़ने लगते हैं और बवासीर में लाभ होता है। इसके साथ साथ यदि दाद खाज खुजली की समस्या है तो दोस्तों सफ़ेद फूलों वाले दूध को दाद खाज खुजली पर लगाने से खाज खुजली मिटती है। इसके साथ साथ यदि दांतों में दर्द रहता है, दांत आपके बहुत ही तेज दर्द करते हैं, तो दोस्तों यदि आप दांत दर्द से परेशान हैं तो दांत दर्द से राहत पाने के लिए आँक के दूध को मसूड़ों पर लगाएं। जहां पर आपके दांतों में दर्द है वहां पर इसके दूध को लगाते हैं तो दांत दर्द में निजात मिलता है। इसके साथ साथ यदि आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो दोस्तों आग के पत्तों के अंदर सूजन को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आग के पत्तों को गर्म करके जोड़ों व घुटनों के दर्द पर लगाते हैं तो आपके जोड़ों व घुटनों के दर्द में राहत मिलता है। इससे आपके वहाँ पर सूजन है, जोड़ों पर सूजन है, घुटनों में सूजन है, तो सूजन को भी ठीक कर देता है, साथ साथ दर्द से निजात भी दिलाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे आग के पौधे के फायदे के बारे में जानकारियाँ शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।